नेशनल प्रेसिडेंट ड्राइव फ्री भारत, जिसके साथ एग्रो मॉडल से लेकर हर मॉडल है, जो कह रहा है कि मैं मैथिली शरण को अपनी सामर्थ्य से बिना सरकार के इस देश को समृद्धशाली बना दूंगा। सरकार के पास हाथ जोड़ती है, मैं कुछ कहने नहीं जाने वाला हूं। और जो क्राइम फ्री भारत की पांच स्ट्रेटेजीज हैं, उस तंत्र के खिलाफ इतना एविडेंस इकट्ठा होगा कि सरकार की औकात नहीं है कि वो जो है ना आपकी बात ना सुने। औकात नहीं है। आप कहने साहब अभी तक नहीं सुन रही, तो आपने क्या फाड़ लिया उसका? क्योंकि आपने वो तंत्र पैदा नहीं किया। आज आप पुलिस के पास जाते हो तो इसलिए पुलिस आपको भगा देती है। यदि हम पुलिस के पास गए पर्सनली कि भाई देखो हमारे साथ ऐसा हुआ है, या भाई अगर हम कर लीजिए, आपने वही कंटेंट जो है ना क्राइम फ्री भारत में चलाया। हमारा वॉलंटियर्स ने आपकी FIR दर्ज की और 2500 तरीके से दर्ज की, लेकिन उसके इतने सारे एविडेंस हो गए कि कल उसे कोई झुटला नहीं सकता, राइट? फिर हमारा ही एक हमारा मतलब उसमें आप सब होंगे, 127 करोड़ लोग, उसमें आपका जो है स्टेटमेंट भी ले लिया। आज पुलिस का स्टेटमेंट तो कोर्ट में एडमिसिबल ही नहीं है। इट कैन ओनली बी यूज फॉर द कॉन्ट्राडिक्शन बट नॉट फॉर द करोबरेशन। ये आपका नियम है। पुलिस को जो कॉन्फेशन देते हैं दैट इज नॉट एडमिसिबल अंडर सेक्शन 25 एविडेंस है। थोड़ा सा एविडेंस जो है एडमिसिबल है डिस्कवरी टू ड्यू है, जो कि सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट का है। आपका जो CFP का वॉलंटियर, उसके लिए तो हर चीज एडमिसिबल है और हर चीज डिजिटली लॉग्ड है, उसे कोई नहीं झुटला सकता। फिर जो है CFP कह रहा है कि भाई तुम्हारा सबसे पूर्व जो पुलिस ऑफिसर है उसको हम ऐसी इन्वेस्टिगेशन लीड देंगे जो कि उसमें दिमाग मैथिस डूबता हो सकता है। यदि वो उसका पालन करेगा तो 100% ऑफेंस रिटर्न होगा। आपको कहां से क्या लेना है, क्योंकि अभी तो आप आवेदन लगा रहे हो तो CCTV में बना दिया आया होगा, वो दुष्ट जो है ना उसका CCTV फुटेज ही नहीं ले रहा है, या CCTV फुटेज तब लेगा जब तक वो ओवर रिटर्न हो जाएगा।